वेद व्यास जी ने भगवान के चरित्रों को लिखा है। और सूत जी कहते हैं इसी भागवत को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की, यानी सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी से भागवत हमने पढ़ी। किसी ने कहा सूत जी एक बात बताओ, आप भागवत पढ़ने कब गए? हमने तो कभी सुना नहीं। तो सूत जी ने कहा जिस समय परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए और मैंने सुखदेव जी से प्रार्थना की, बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कथा सुनने बैठ जाऊं। और मैं आगे ही बैठा था और मेरी निगाह उन्हीं पे रहती थी और उनकी निगाह मुझ पे ही रहती थी। किसी ने कहा रुको 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 सूत जी आपने क्या कहा? आपने कहा कि हमने भागवत पढ़ी और अभी आपने क्या कहा भागवत सुनी, तो आप लोग सुन रहे हो कि पढ़ रहे हो? अरे बोलो ना। सूत जी ने कहा भैया सुन तो लो, मैं सुन रहा था और सुनने के बाद जब कोई बात मुझको समझ में नहीं आती थी ना, बाद में मैं उनसे पूछ लेता था। यानी एक बार सुनना सुनना होता है और दोबारा पूछ लेना पढ़ना हो जाता है। तो सूत जी कहते हैं मेरे भागवत के गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज हैं। तो सूत जी सब बता क्यों रहे हैं? सूत जी इसलिए बता रहे हैं कथा जब भी सुनो जिससे भी सुनो किसी ऐरे गहरे नथु गहरे से नहीं सुनना चाहिए, जिसने गुरु चरणों में बैठकर भागवत का श्रवण किया हो, जिसने गुरु चरणों में बैठकर भागवत पढ़ी हो उससे ही कथा का श्रवण करना चाहिए। जब हम गुरु जी के यहां पढ़ते थे ना, हम जैसे सैकड़ों बच्चों को गुरु जी पढ़ाते थे निःशुल्क, तो हमारे मन में भी आया कभी हम भी कभी ऐसी व्यवस्था बनावे, हम ही बच्चों को पढ़ावे, कितना अच्छा काम हमारे गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी तो हमारे नहीं रहे, उन्हीं के आशीर्वाद से एक भागवत का विद्यालय हमने खोला, करीब 8 वर्ष हो गए और करीब 70-80 बच्चे आज भी हमारे यहाँ पर निःशुल्क भागवत पढ़ते हैं महाराज। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो, देखो कथा जिससे भी सुनो ब्राह्मण होना चाहिए। आप कहोगे सूत जी तो ब्राह्मण नहीं थे, अंतर है। अगर अनुष्ठानिक कथा सुननी हो 7 दिन की, तो उसका वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। और आनंद के लिए कथा सुननी है जिसमें दिन और टाइम का कोई अंतर नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आनंद के लिए कथा सुननी है, तो उस कथा को सूत जी भी कह सकते हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति कथा कह सकता है, सुना सकता है, लेकिन ब्राह्मण अनुष्ठान की कथा सुननी हो तो केवल ब्राह्मण पुरुष होना चाहिए, केवल ब्राह्मण पुरुष होना चाहिए अनुष्ठान के रूप में।